मैथ्स चैप्टर 7 कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। चैप्टर का नाम कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है? आपने देखा ये सारी बिल्डिंग जो है एक जैसी दिख रही है, बिल्कुल एक जैसी दिख रही है, इसको ये वाली नहीं ना, राइट? ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक जैसा, सेम शेप एंड साइज, सेम शेप एंड साइज। ये भी कुछ कॉन्ग्रुएंट जैसा दिख रहा। मान लो एक ट्राइंगल की बात करें तो इसके जैसा है बिल्कुल ये, इसके जैसा है ये, अगर इसको फ्लिप कर दोगे तो इसके जैसा ये भी हो गया, है ना? तो ऐसे नेचर में बहुत सारी चीजें मिलती हैं जो बिल्कुल सेम शेप एंड साइज होती है, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ये फिगर्स को देखिए जरा, क्या ये भी कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये भी, ये भी, ये फ्लिप किए, थोड़ा सा रोटेट कर दिया है, लेकिन कॉन्ग्रुएंट है, मतलब रोटेशन अलाउड है, फ्लिप करना अलाउड है, ऊपर नीचे कर दिया अलाउड है। रोटेट करने के बाद इसको ऐसा 45 डिग्री रोटेट कर देंगे तो इसी के जैसा, यही तो है, रोटेशन इज अलाउड, फ्लिप करना अलाउड। कैसे फिगर्स हैं? कॉन्ग्रुएंट। क्या ये कॉन्ग्रुएंट है ये दोनों? ये दोनों और ये भी, और ये भी, इनको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। मतलब अभी हम लोग कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की बात नहीं कर रहे, चैप्टर में तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, लेकिन पहले कॉन्ग्रुएंसी समझ तो लें। अब आपके लिए क्विज है, पजल, 1, 2, 3, 4 में आंसर बोलना, ठीक है? तो इसका कॉन्ग्रुएंट कौन सा है? 2। नेक्स्ट का 1। नेक्स्ट 4 है, एग्जैक्टली यही है। नेक्स्ट 3। नेक्स्ट 2 और नेक्स्ट, गुड। देखिए कॉन्ग्रुएंसी आपके समझ में आ गई है ना, सेम शेप एंड साइज। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है सेम शेप एंड साइज, दोनों चीज सेम चाहिए, शेप भी सेम चाहिए और साइज भी सेम चाहिए। फर्स्ट डेफिनेशन यही है कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब सेम शेप एंड साइज। एक डेफिनेशन और होता है, उसको बोलते हैं सुपर इम्पोज। सुपर इम्पोज का मतलब जब एक फिगर को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो एग्जैक्टली ओवरलैप करेगा, जैसे कि हमारे एग्जैक्टली ओवरलैप करता है ना, बिल्कुल। तो क्या इस फिगर को इसके ऊपर रखने से ओवरलैप करेगा? ये फ्लिप करना पड़ेगा, है ना, ये पिंक वाला पार्ट नीचे है ना, तो इसको फ्लिप करके रखेंगे तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? एग्जैक्टली हो जाएगा, फ्लिप करना अलाउड है। तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी का साइन इक्वल टू बनाकर ऊपर ऐसा कर्व बना दीजिए, ये है कॉन्ग्रुएंसी का साइन, कॉन्ग्रुएंट। तो हम क्या बोलेंगे, एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर पी क्यू। लेकिन आर पी क्यू क्यों, आर पी क्यू को क्यों? फ्लिप करने के बाद इसको अगर फ्लिप करोगे तो ये आर ऊपर आ जाएगा, तो ये पिंक वाला पार्ट यही तो था, ए पिंक वाला और आर पिंक वाला, तो ए और आर कैसे हैं, कैसे हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग। देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, मैं पूछूंगा कि ए पॉइंट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, आर के। बी पॉइंट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्यू के। भाई बी पर्पल वाला, ये पर्पल वाला। सी किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, पी के, ग्रीन और ग्रीन। इज दैट क्लियर? इसका मतलब कि अगर मैं बोलता हूं ए बी सी इज कॉरेस्पॉन्डिंग, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान लेना, क्योंकि आगे पीछे लिखना अलाउड नहीं है, आगे पीछे लिखना अलाउड नहीं है। सबसे पहले क्या आया, ए, तो ए का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या था, आर, तो फर्स्ट में यहाँ आर आएगा। नेक्स्ट हमने लिखा बी, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, क्यू, तो क्यू ही आएगा। फिर नेक्स्ट लिखा मैंने सी,
सी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? पी, तो पी ही आएगा। इसको एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर नहीं बोल सकते हम, आर पी क्यू इसका मतलब ए कॉरस्पॉन्डिंग है आर के, बी कॉरस्पॉन्डिंग है क्यू के, सी कॉरस्पॉन्डिंग है पी के। क्या आपको ये कॉरस्पॉन्डेंस समझ में आया? इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बोलूंगा ए बी साइड किसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो ए क्यू के, बी आर के, तो ए बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू आर। व्हाट इज बी सी कॉरस्पॉन्डिंग टू? बी की जगह क्यू, बी की जगह क्यू और सी की जगह पी, क्यू पी। व्हाट इज ए सी कॉरस्पॉन्डिंग टू? ए की जगह आर और पी की जगह, सी की जगह पी। साइड तो वैसे आगे पीछे बोलना चल जाता है ना, पी क्यू क्यू पी बोल दिया चल गया, लेकिन मैं बोल रहा हूं ऑर्डर ऐसे लिखने में ऑर्डर आगे पीछे नहीं चलेगा, गलत हो जाएगा। इसको और डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे हम लोग, जितना पढ़ाया अभी उतना समझ में आया। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के सफिशिएंट कंडीशंस, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, सफिशिएंट कंडीशंस, सफिशिएंट कंडीशंस। सफिशिएंट कंडीशंस के पहले बता दूं, अगर मैं बोलता हूं दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर मैंने बोला कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब इफ टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दिस मींस ऑल सिक्स एलिमेंट्स आर इक्वल। ऑल सिक्स एलिमेंट्स, कौन से सिक्स एलिमेंट्स? तीनों साइड और तीनों एंगल इक्वल होंगे। अगर मैं बोलता हूं दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, अगर मैंने बोला ए बी सी इज कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट टू आर पी क्यू, इसका मतलब ये निकला कि तीनों साइड इक्वल और तीनों एंगल्स इक्वल, मतलब ऑल सिक्स एलिमेंट्स आर इक्वल। बात समझ में आई? लेकिन जब प्रूफ करने जाएंगे तो पूरी छह चीजें प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सफिशिएंट है, तीन ही सफिशिएंट है। वो एस 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 भी हो सकता है, एस ए एस भी हो सकता है, डिटेल में करेंगे, ए एस ए भी हो सकता है, ए ए एस भी हो सकता है, और फिफ्थ कंडीशन आर एच एस भी हो सकता है। ठीक है, एक एक डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। क्या कर रहे हैं हम लोग? सफिशिएंट कंडीशंस। मान लो मैंने आपको बोला कि दो ट्राइंगल को प्रूफ करो कि ये कॉन्ग्रुएंट है, आप प्रूफ करो कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो आपके पास कितने तरीके हैं? पांच तरीके। या तो एस 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 से कर दो, या एस ए एस से कर दो, या ए एस ए से कर दो, ए ए एस, या फिर आर एच एस। आपके पास फाइव मेथड्स हैं किसी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के। अब ये इसका मीनिंग क्या होता है, एसएसएस? एसएसएस मतलब साइड साइड साइड। अगर एक साइड ए बी देखो कलर से दिया है, ये रेड वाला और ये भी रेड, तो ये वाला साइड इक्वल है कि नहीं? एक साइड इक्वल मिल गया, ये येलो वाला और ये भी येलो वाला इक्वल मिल गया, ये ग्रीन और ये भी ग्रीन, मतलब फर्स्ट ट्राइंगल के तीनों साइड्स सेकेंड ट्राइंगल के तीनों साइड्स के इक्वल है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हुए? कॉन्ग्रुएंट बाय बाय एस एस एस, ये लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट ट्राइंगल के क्या, फर्स्ट ट्राइंगल के तीनों साइड सेकेंड के तीनों साइड के इक्वल हैं? फ्लिप करना अलाउड है, रोटेट करना अलाउड है क्या? यस yes. तो मैं क्या बोलूंगा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट? पी, पक्का पी। कैसे पता? रेड और येलो के बीच में ए था, तो ये रेड और येलो के बीच में पी था, तो ए का कॉरस्पॉन्डिंग पी है। बी कहाँ है? बी रेड और ग्रीन के बीच में, तो रेड और ग्रीन के बीच वाला क्यू, और थर्ड वाला अपने आप आ जाएगा, ये आगे पीछे नहीं चलेगा। बात समझ रहे हो? कॉरस्पॉन्डिंग मतलब कॉरस्पॉन्डिंग।
अगर फर्स्ट ट्राइंगल के तीनों साइड्स सेकंड के तीनों के इक्वल हैं तो सफिशिएंट है ये प्रूफ करना कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे कॉन्ग्रुएंट हैं? बाय एसएसएस कॉन्ग्रुएंसी। सेकंड कंडीशन, अगर फर्स्ट साइड, देखिए रेड वाला इसके इक्वल है रेड के, ये ग्रीन वाला इसके इक्वल है ग्रीन के, और इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल, कोई दूसरा एंगल नहीं चलेगा, बीच वाला इसको बोलते हैं इंक्लूडेड एंगल, दो साइड के बीच वाला एंगल, इन दोनों के बीच, तो इन दोनों के बीच वाला ये नहीं चलेगा, इक्वल है क्या? यस, दो साइड और उनके बीच वाला एंगल अगर इक्वल हुआ तो हम बोलेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट, बाय एसएएस कॉन्ग्रुएंसी। ओके, अब इसमें क्या है, कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम भी होता है और फिर कंडीशन भी होता है, क्राइटेरिया भी होता है, डिटेल में बाद में अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? यस, मैंने सही लिखा, एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू पीक्यूआर, भाई दोनों के बीच का एंगल बी, तो यहाँ पे बीच का एंगल क्यू, ए कॉरेस्पॉन्डिंग टू पी और बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू सी कॉरेस्पॉन्डिंग टू आर, बिल्कुल ठीक है, आगे पीछे नहीं चलेगा। थर्ड कंडीशन, ए ए ए एस ए, मतलब दोनों साइड वाले एंगल और उनके बीच का साइड, देखो ये इसके इक्वल है ग्रीन ग्रीन और ब्लू ब्लू इक्वल हो गया, और इन दोनों के बीच वाला रेड, इन दोनों के बीच वाला रेड, दो एंगल्स इक्वल हैं और उनके बीच वाला साइड, ये वाला नहीं चलेगा, द एंगल के बीच वाला ही चाहिए, ठीक है? तो दो एंगल्स इक्वल हैं, यस, और उनके एंगल्स के बीच वाला साइड भी इक्वल है, यस, तो हम बोलेंगे क्या है ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट। कैसे आए कॉन्ग्रुएंट? ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी से, ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है? नेक्स्ट देख ले, अब देखोगे ए एस ए और नेक्स्ट वाला है ए ए एस। ए एस ए में क्या था, दोनों एंगल के बीच वाला साइड होना चाहिए, लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि दो एंगल तो है लेकिन बीच वाला साइड नहीं आया तो कोई थर्ड वाला साइड भी चल जाएगा, बीच वाला नहीं भी हुआ तो भी चल जाएगा। कैसे चल जाएगा? भाई दो एंगल अगर इक्वल हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से, थर्ड एंगल भी इक्वल निकाल लेंगे, और थर्ड निकाल लेंगे तो इन दोनों एंगल के बीच वाला आ गया अपने आप, मतलब बनाया जा सकता है। तो अगर दो एंगल और बीच वाला साइड नहीं हो, कोई नेक्स्ट साइड हो तो भी चल जाएगा। ए पी के इक्वल है, ए पी के इक्वल है, सी आर के इक्वल है, सी आर के इक्वल है, और इन दोनों के बीच वाला साइड ए बी, बीच वाला नहीं है ना, एंगल के बीच वाला नहीं, अदर साइड, तो यहाँ पे भी अदर साइड ही होना चाहिए, ये भी इक्वल है, तो हम क्या बोलेंगे? द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी। ये तीसरा एंगल हमने बनाया है। अगर दो एंगल आपको, मान लीजिए कि ये 50 है और ये 70 है, ए 50 है और सी 70 है, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये तो 60 आएगा, जब दो इक्वल है एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड वाला तो इक्वल निकल ही जाएगा, और अगर ये निकल गया मान लो और मैं इसको यूज ना करूं, इसको यूज ना करूं, तब क्या हो गया, ये पिछला वाला हो गया ए एस ए हो गया, देखो ए, ये ए और ये ए और बीच वाला है ना, तो बीच वाला एंगल, बीच वाला साइड हमारे, हमें पता नहीं था, तो हमने क्या किया, एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड निकाल लिया, पॉसिबल है एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालना, तो ऐसे ही बन जाएगा अल्टीमेटली। देखो अभी 100% क्लियर नहीं होगा, ये आपकी पहली क्लास है, लेकिन थोड़ा समझ में आ जाएगा 50% 60%। नेक्स्ट क्लास में और इसका वीडियो घर में देखोगे तो थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा, फिर मैं एक्सरसाइज कराऊंगा और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? और फिर लास्ट में कभी किसी दिन ये पूरा वीडियो रिवाइज करोगे तो पूरा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट कंडीशन देखो, आर फॉर राइट एंगल, एच फॉर हाइपोटेन्यूज और एस फॉर साइड, ये राइट हैंड साइड नहीं है, राइट हाइपोटेन्यूज साइड, मतलब दोनों में, दोनों ट्राइंगल में एक राइट एंगल होना चाहिए, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए,
और कोई एक साइड, ये वाली चलेगी, बेस वाली चलेगी, परपेंडिकुलर वाली भी चलेगी, कोई एक। अगर ऐसा हुआ कि दोनों में ही राइट एंगल है, दोनों का हाइपोटेन्यूज इक्वल है और दोनों का कोई एक थर्ड साइड इक्वल है, हम बोलेंगे ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट, बाय आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी। अब मैं आपको बता रहा हूं कि कहां पे थ्योरम बोलेंगे और कहां पर एक्सियम और कहां पर कंडीशन। चैप्टर 5 में पढ़ा था ना यूक्लिड्स में, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको एक ही चीज ध्यान रखना है, एस ए एस क्या है, एक्सियम, एस ए एस क्या है, एक्सियम। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कैसे, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम। अब आते हैं एस एस एस, एस 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 क्या है, थ्योरम, हम बोलेंगे दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, ये थ्योरम है। थर्ड पे आते हैं, अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो हम बोलेंगे दे आर कॉन्ग्रुएंट बाय ए एस ए कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। फोर्थ में, हाँ थ्योरम बोल सकते, रूल बोल सकते, कुछ टीचर रूल बोलते हैं, लेकिन हमने यूक्लिड में पढ़ लिया ना कि वो थ्योरम बोल रहे, थ्योरम एक्सियम अलग है, थ्योरम अलग है, कंडीशन अलग, तो हमें यही बोलना चाहिए। और हालांकि अब सब स्कूल में अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, आपके स्कूल में जैसा बोले वैसा बोल देना, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं, लेकिन यहाँ स्पेसिफाइड है ना कि ये थ्योरम है कि एक्सियम है कि कंडीशन है, बिल्कुल स्पेसिफाइड है। तो क्या याद रखना है आपको, एस ए एस एक्सियम है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रूव नहीं कर सकते, इसको हमने एक्सियम मान के इसको ट्रू मान लिया और इसको ट्रू मान के फिर हमने प्रूव किया, इसको इसको प्रूव किया है, ये थ्योरम है, ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट बाय एस 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 कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। थर्ड कंडीशन, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कैसे, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, हम प्रूव कर सकते हैं इसको, थ्योरम। फोर्थ, ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कैसे, बाय ए ए एस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन या क्राइटेरिया। इसको थ्योरम क्यों नहीं बोल रहे, इसको थ्योरम प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, ये प्रूफ कर चुके हैं ना ऊपर, और इसी से ये कैलकुलेट किया जा सकता है, भाई दो एंगल हमको अगर पता है, दो एंगल पता है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड वाला अपने आप निकल आएगा, तो अपने आप निकल आएगा तो ये ए एस ए बन जाएगा, बना सकते हैं इसको ए से, इसके लिए अलग थ्योरम की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए से कॉन्ग्रुएंसी, रूल बोल दो, कंडीशन क्राइटेरिया बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और लास्ट वाला, ये दोनों ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम, ये थ्योरम है, इसको इसका प्रूफ है पूरा। मैं इन दोनों दो फिगर्स की बात कर रहा हूँ, लास्ट वाला दिया जरूर है लेकिन हम उसकी अभी बात नहीं कर रहे। अगर मैंने बोला कि ट्राइंगल नंबर 1 इसका नाम मैंने बोल दिया ए बी सी और दूसरे ट्राइंगल का नाम बोल दिया मैंने पी क्यू आर, क्या ए बी सी और पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है? यस। तो ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट है, क्यू आएगा, ए किसके बीच में है, सिंगल और डबल के बीच में, ए किसके बीच में है, सिंगल और डबल, तो सिंगल और डबल के बीच में क्यू है, ए का कॉरेस्पोंडेंस क्यू। बी कहाँ है, बी है सिंगल और थ्री लाइन, वन और थ्री के बीच में, तो वन और थ्री के बीच में क्या है, आर, तो लास्ट वाला अपने आप, नहीं तो गलती हो जाएगी, कॉरेस्पोंडेंस चाहिए बिल्कुल सीधा सीधा, ठीक है। अगर मैं इसको ए बी सी बोलूं और इसको मैं x, y, z बोल दूं, तो a, b, c is corresponding to y, x, z, right? अगर मैं इसको a, b, c बोलूं और इसको इसको w, x, y बोल दूं, नाम तो कुछ भी बोल सकते हैं, a, b, c is congruent to y, x, W, गलती नहीं करना, तो यहाँ तो दिख रहा है ना, ए कौन सा है ब्लू कलर वाला, तो ये ब्लू, बी कौन सा है रेड, तो ये रेड, चाहे कलर लिख दो,
चाहे स्ट्राइक्स बना दो 1 2 3 लाइन, और नेक्स्ट वाला मान लो मैंने इसको बोला ए बी सी और इसको मैं बोल रहा हूं डी ई एफ, तो ए बी सी ए इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू ई, तो राइट एंगल बन रहा है, बी कहां है लास्ट में, सी कहां है सिंगल डबल लाइन के बीच में, सिंगल डबल के बीच में डी है, लास्ट में डी आएगा, बीच में एफ आ जाएगा, कोई कंफ्यूजन किसी को? तो कॉरेस्पॉन्डेंस आपको बहुत क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया ना, एक्सरसाइज बहुत इजी जाने वाला। अब थोड़ा सा और पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंस, मैं पढ़ रहा हूं कॉरेस्पॉन्डेंस। देखिए ऊपर एक ट्राइंगल है, नाम क्या है सी डी ओ, जो नाम देना चाहे फर्स्ट वाले का, क्या अगर मैं बोलता हूं फर्स्ट और सेकंड कॉन्ग्रुएंट है, अगर मैं बोलता हूं ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे डिस्कस करते हैं। तो दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कितने कंडीशन चाहिए, सफिशियंट कंडीशन 3, सफिशियंट कितने चाहिए 3। पहला क्या मिल गया आपको ओडी, फर्स्ट ट्राइंगल के साइड लेफ्ट में लिखेंगे, सेकेंड ट्राइंगल के साइड राइट में, मतलब ऐसा आगे पीछे नहीं चलेगा कि कभी यहाँ लिख दिया कभी यहाँ। अगर मुझे यहाँ पर ओडी पता है फर्स्ट ट्राइंगल का साइड, तो सेकेंड ट्राइंगल का साइड ओए क्या है ये साइड, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, गुड, दो कंडीशन हो गया, ये एंगल मिल गया, एक साइड हो गया एक एंगल हो गया। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यस कि नो, अब ये भी एक एंगल है। अब मुझे बताइए दो एंगल एक साइड, ये एंगल साइड एंगल हुआ ए ए एस हुआ कि ए एस ए हुआ, दो एंगल और उसके बीच का साइड, दो एंगल, दो एंगल और उसके बीच का साइड बेटा, दो एंगल और उसके बीच, ये दोनों एंगल पता है उसके बीच का साइड, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कैसे, बाय ए एस ए, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं बाय ए एस ए, ए एस ए क्या है कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम। अब कॉरेस्पॉन्डेंस बताइए सी डी ओ, सी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, सी का कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये है बी, डी का क्या है ए, तो ओ का वो हो जाएगा, थर्ड वाला निकालने में कोई मुश्किल नहीं, समझ में आया ना, गुड। फिर से एक बार मैं ट्राइंगल बी ओ सी बोल रहा हूँ, इसका नाम मैं बी ओ सी बोल रहा हूँ और ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, उसका नाम आपको बताना है, ये 1 ये 2 वैसे ही लिखेंगे, ये जो लाइंस बनाना नहीं है ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमने डिसाइड किया कि फर्स्ट ट्राइंगल के साइड लेफ्ट में लिखेंगे तो सेकेंड के राइट में, मुझे 3 चीजें बता दो, सबसे पहले एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ए इक्वल्स टू 90, ये गिवन है, एक एंगल मिल गया, बी सी इक्वल्स टू ए डी, ये गिवन है, एक साइड मिल गया, और कुछ जानकारी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, जो नाम देना चाहो आप, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये एंगल और मिल गया। मुझे बताओ ये ए एस ए है कि ए ए एस है, एंगल एंगल और इसके बीच वाला साइड नहीं है, कोई दूसरा है, ये ए ए एस है, ठीक है, तो ये क्या होता है ए ए एस, कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन, ये थ्योरम नहीं है। अब मुझे बताइए बी का कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, बी का कॉरेस्पॉन्डिंग ए है बेटा, ये 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा, ओ का तो ओ ही है, सी का कॉरेस्पॉन्डेंस डी है, आगे पीछे नहीं चलेगा, कन्विंस्ड, सब कन्विंस्ड हो, इतना अगर पढ़ लिया ना तो आपका एक्सरसाइज ऐसी बिल्कुल इजीली
हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं। सबको कंफ्यूजन ना इसी में होता है, और इसी वीडियो को जब अपलोड कर दूंगा एक दो बार रिवाइज कर लेना 100% क्लियर। चलिए एक और मान लो मैं इसको फर्स्ट बोलता हूं PAC मैंने नाम दिया, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग देखिए इसमें इंफॉर्मेशन कम है, मैं आपको बता दूं कि ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, तो ये किसके इक्वल होगा, फर्स्ट और सेकंड बता रहा हूं है ना, और फर्स्ट सेकंड लिखने की बजाय एंगल का पूरा नाम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल APC, यहाँ PAC लिखा था, APC एंड ट्राइंगल APC तो BPC। क्या मुझे तीन कंडीशंस बताओगे जिससे ये, पहले बताइए AC, इसका AC किसके इक्वल है, इसके CB से। चलो एक ये गिवन है, एक साइड हो गया PC इक्वल्स टू PC, ये तो कॉमन, ये भी साइड हो गया, और ये एंगल वन एंगल टू एंगल वन इक्वल्स टू एंगल टू इक्वल्स टू 90 गिवन है, ये क्या हो गया एंगल, तो ये क्या है साइड एंगल, साइड दो साइड और उसके बीच का एंगल राइट, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी एक्सियम था, ये थ्योरम नहीं था, बस इसी को ध्यान रखना है SAS एक्सियम था। अच्छा नाम भी बताइए, A का कॉरेस्पॉन्डिंग B, P का कॉरेस्पॉन्डिंग P, ये वाला का कॉरेस्पॉन्डिंग इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग ये, C का C। क्या आपको इतना क्लियर है, बहुत क्लियर हो गया।